हेलो एवरीवन, बेटा करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सेकंड यूनिट एल्कोहल फिनोल और इथर्स। इससे पहले जो वीडियो था उसमें हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स का कंप्लीट कर लिया था। आज हम बात करेंगे फिनोल्स को लेकर के, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल्स, हाउ फिनोल्स आर प्रिपेयर्ड इन द लैब और एट कमर्शियल स्केल। तो सबसे पहला तरीका है फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम from benzene sulfonic acid. Formula for benzene sulfonic acid, benzene sulfonic acid का formula होता है HSO3, या इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो SO3H, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। यहां बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट किया गया कि जो बॉन्ड है वो बेंजीन का सल्फर से बना हुआ, सल्फर का ऑक्सीजन से बना हुआ, और ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ लिंक्ड है, जुड़ी हुई, तो उस प्रकार से बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट किया। अदरवाइज हम इसको HSO3 O3 HS इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन किससे बनाना है हमारे को, बेंजीन सल्फोनिक एसिड SO3H इससे बनाना है। तो बुक के अंदर क्या है कि हमारे को इसका भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन दे रखा है, हाउ बेंजीन सल्फोनिक एसिड इज प्रिपेयर्ड, कैसे बनाया जाता है। बेंजीन सल्फोनिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग बेंजीन एंड रिएक्टिंग इट विद ओलियम H2H2H2O7, इसको ओलियम बोलते हैं। इसके साथ में इसका रिएक्शन करवाया जाता है ओलियम के साथ में एट ए टेम्परेचर ऑफ 523 523 केल्विन टेम्परेचर। यहाँ टेम्परेचर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा, खास करके जब हम बेंजीन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं और कैटलिस्टों का बड़ा योगदान होता है इनके अंदर। तो टेम्परेचर रेंज जो आती है यहाँ पर वो इम्पोर्टेंट होती है, चाहे आप उनको समझ के याद करो चाहे आपको वो रखनी पड़े, तो ये कंडीशंस जरूरी होती हैं, इनके बिना रिएक्शन आर फाउंड टू बी इनकम्प्लीट। तो देखिए ओलियम के साथ रिएक्शन कैसे होगा, ओलियम जो होता है इट ब्रेक्स लाइक HSO3 प्लस H2SO4, इस तरह से टूटता है H2S2O7, ये हो गया ओलियम, ऐसे टूटता है। तो इसमें क्या होता है, यहां जो HSO3 ग्रुप बना है इसकी भी वैलेंसी वैगेंट, और जो सल्फ्यूरिक एसिड बना है इसकी भी वैलेंसी वैगेंट, इसमें भी हाइड्रोजन की कमी। तो क्या होगा रिएक्शन के अंदर, बेंजीन से हाइड्रोजन जो है वो एलिमिनेट होगा, किसी भी पोजिशन से आप रिलीज कर दो, यूजुअली हम टॉप पोजिशन को लेते हैं। तो ये जो हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, ये रिलीज होने के बाद में इस HSO4 को मिल जाएगा एंड इट विल फॉर्म H2SO4। तो यहाँ से भी हाइड्रोजन जाएगा, तो जाने से इस वैलेंसी वैकेंट हो जाएगी बेंजीन की, इस वैकेंट वैलेंसी पर ये HSO3 ग्रुप अपने वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए आके जुड़ जाएगा एंड इट विल फॉर्म SO3H, और इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब बेंजीन सल्फोनिक एसिड का जो रिएक्शन है ना, इट इज कैरीड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, H will be replaced, क्यों, क्योंकि ये क्या है, एसिड है, और एसिड क्या करते हैं, HN बहुत जल्दी रिलीज करते हैं, तो इसका H और इसका OH ये क्या करेंगे, वाटर बना लेंगे, और ये सोडियम इसकी जगह पर आके जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड, या सोडियम सल्फोनेट भी हम इसको कह सकते हैं, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, तो ये बन जाएगा SO3NA, ये हो गया। अब इस कंपाउंड का जो रिएक्शन है, इट इज नाउ अगेन कैरीड विद टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एट टेम्परेचर ऑफ 623 केल्विन, ये टेम्परेचर होगा 623 केल्विन टेम्परेचर पे इसका रिएक्शन कर रहा है। तो रिएक्शन जब हम कराएंगे तो जैसे कार्बन, इसकी जगह आप कार्बन मांगो तो क्या बन जाएगा, CO3, और सोडियम हो तो क्या बनते हैं, Na2CO3, अभी वही काम यहाँ हो जाएगा। तो हमने दो मॉलिक्यूल यहाँ यूज किए, दोनों मॉलिक्यूल्स को हम सेपरेट करके रिप्रेजेंट करते हैं फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो क्या होगा, लाइक दिस, इस तरह से
ये क्या बन जाएगा, इट विल फॉर्म Na2SO3 सोडियम सल्फाइड बने। अब क्या हो जाएगा उसके बाद में, ये जो ONA वाला पार्ट है दूसरे सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ये ONA वाला पार्ट यहाँ इस ग्रुप के जाने से जो वैलेंस से बैठेंगे तो वहां के जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा बेंजीन और बेंजीन के ऊपर ONA, ये हो गया प्लस ये OH और EH जो बचे ये क्या बन जाएंगे, वाटर बदल जाएंगे। दिस इज नोन एज सोडियम फिनोक्साइड, सोडियम फिनोक्साइड, सोडियम क्यों, क्योंकि Na आ रहा है, फिनोक्साइड क्योंकि फिनाइल यानी कि बेंजीन के ऊपर ऑक्सीजन आ गया तो फिनाइल का ऑक्सीजन नाम बन जाएगा तो फिनोक्साइड बन जाएगा, ये बन गया सोडियम फिनोक्साइड। अब इस सोडियम फिनोक्साइड से अगर सोडियम हट जाए यहाँ से तो एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फिनोल में हो जाएगा। तो इसके लिए हम यूज करेंगे जब भी हमारे को ऑक्सीजन से बेंजीन के अंदर ऑक्सीजन से मेटल को रिप्लेस करना हो तो वी विल यूज डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट HCl का यूज होता है। और कार्बन चेन के अंदर हम यही काम क्या करते थे, बाय एसिड हाइड्रोलिसिस, बेंजीन में बाय डाइल्यूट HCl, मे बी यूज्ड एसिड हाइड्रोलिसिस बट मोर पॉपुलर मेथड इज डाइल्यूट HCl। तो क्या बन जाएगा, बेंजीन, बेंजीन के ऊपर O, अब ये Na तो जो है वो इसके क्लोरीन से जुड़ जाएगा तो इट विल फॉर्म NaCl, तो क्या बच गया यहाँ पर H आकर के जगह पर लग जाएगा, तो क्या बन गया फिनोल। So this is the first method of preparation of benzene sulfonic of phenol from benzene sulfonic acid. Let's revise it first. ये हो गया हमारे पास benzene, benzene का oleum से reaction क्या है, temperature जरूर ध्यान रखना 523 Kelvin use हो रहा है इसके अंदर। तो इसमें क्या होगा, ये oleum जो दो part में divide हो रहा है, divide होने के बाद H इसको जब मिल जाएगा तो H2SO4 बन के release हो जाएगा, इसका आधा पार्ट एसिड और आधा पार्ट जो वो यहाँ पे जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड का सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कर तो H और OH पानी बदल जाएगा, सोडियम उसकी जगह आ जाएगा। अब ये बन गया सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड या बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसका रिएक्शन फिर दो मॉलिक्यूल NaOH के साथ में करा तो दो Na मॉलिक्यूल जो है, दो NaOH के जो मॉलिक्यूल इसके अंदर वो एक उनमें से Na2CO3 बनने का काम कर रहा है, दूसरा जो ग्रुप यहाँ जाएगा तो जो जगह खाली होगी इस जगह के ऊपर, इस जगह पे ONA वाला पार्ट आपके जुड़ जाए तो बाकी H और OH वाटर करके रिलीज होगी। और ये जो रिएक्शन है टेक्स प्लेस एट 623 केल्विन टेंपरेचर, तो ये बनेगा सोडियम फिनोक्साइड, सोडियम फिनोक्साइड का डाइल्यूट HCl से रिएक्शन कराने पर ये फिनोल को बनाता है। तो ये हुआ फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल, फिनोल बनाने का पहला तरीका। अब हम करेंगे सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, सेकेंड मेथड फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। हाउ टू डिस्टिंग्विश द नेम्स, नेम आप कैसे पहचानोगे और नाम से फॉर्मूला भी कैसे बनाओगे, उस पॉइंट पर आते हैं। नाइट्रोजन जो इसमें यूज हो रही है, इसमें एज वर्ड यूज हो रहा है, इसमें एज, ये जो एज वर्ड आ रहा है ग्रीक वर्ड है और इसमें इसका मतलब होता है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के लिए ये वर्ड यूज होता है। तो नाइट्रोजन तीन प्रकार की बॉन्डिंग बनाता है, एक जो नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड हो देन बी कोलेटेड N2 गैस, तो ये नाइट्रोजन गैस होती है, और नाइट्रोजन नाइट्रोजन के अंदर जब डबल बॉन्ड हो और दोनों तरफ वैलेंसी बैकेंड हो किसी चीज से जुड़े हो तो इसको हम बोलते हैं एच, ये एच कंपाउंड है। और जब नाइट्रोजन नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड हो और दोनों वैलेंसीज भी बैकेंड हो then we call it as diazo, और diazo नाम बन जाए इसका diazo। अब क्या होगा, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज और होते हैं तो इसलिए नाम क्या जुड़ जाए diazo नहीं, ये हो गया आई, तो आई रिप्रेजेंट्स N2 के ऊपर ट्रिपल बॉन्ड, N2 के अंदर ट्रिपल बॉन्ड एक पॉजिटिव चार्ज पे बन गया diazo नियम, diazo नियम। अब आप इस को ध्यान में रखते हुए आप डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मूला बना सकते हैं, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बेंजीन, बेंजीन के ऊपर बेंजीन डाइजोनियम एन ट्रिपल बॉन्ड एन और यहाँ पॉजिटिव चार्ज था तो सॉल्ट आ गया, तो यहाँ क्लोरीन आ गया, तो बन गया बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। इसका भी हमारे को मेथड दे रखा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन बनाने का तरीका दे रखा, वो कैसे बनता है, ये हो गया अमीन, एरोमेटिक अमीन, एरोमेटिक बेंजीन, तो एनिलीन बोलते हैं इसको, इट इज एनिलीन, एनिलीन का रिएक्शन जब हम HNO2
HCl के साथ 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब रिएक्शन करें, ये इंपॉर्टेंट है, ये जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि डाइजोनियम साल्ट का बनना हो, यानी कि बेंजीन डाइजोनियम साल्ट को जब हमें बनाना हो या इसका जब कोई रिएक्शन हो, दोनों ही बातें, वहाँ टेम्परेचर फिक्स होता है। इस कंपाउंड को बनाना है तो ये फिक्स टेम्परेचर, इसका रिएक्शन भी कराना है तो ये टेम्परेचर फिक्स है, यानी दिस कंपाउंड इज फाउंड टू बी एक्टिव ओनली एट दिस टेम्परेचर। तो 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर हमें इसमें देना होता है। तो रिएक्शन में क्या हो जाएगा, अब देखिए आप इसमें एक नाइट्रोजन लिया, एक नाइट्रोजन लिया, तो क्या बन जाएगा, एन ट्रिपल बॉन्ड एन हो जाएगा, और क्लोरीन यहाँ से आ जाएगा इसके साथ, ये बन जाएगा और ये HNO2 ग्रुप, तो यहाँ पर डाइजोनियम साल्ट जो है वो बनने का काम करता है इसमें, तो डाइजोनियम साल्ट बन गया। अब इस डाइजोनियम साल्ट का रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसके अंदर टेम्परेचर इज फाउंड टू बी ग्रेटर देन 10 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब मैं बताया था कि बेंजीन डाइजोनियम साल्ट को बनाना हो या इसका कोई केमिकल रिएक्शन, तो बनाने के पीछे टेम्परेचर लगा जाए, इसका कोई केमिकल रिएक्शन तब भी ये टेम्परेचर, सिर्फ एक रिएक्शन में ऐसा होता है जब इसका टेम्परेचर 5 डिग्री से यानी कि अलग होता है, और वो अलग भी कितना हो रहा है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव टेम्परेचर, और वो टेम्परेचर होगा विद वाटर, पानी के साथ। तो वाटर के साथ जब आप रिएक्शन कराओगे इसके अंदर तो क्या होगा, तो दो नाइट्रोजन है, अभी आपको एलिफैटिक यानी कि एल्कोहल में समझा, दो नाइट्रोजन की क्या बनेगी, N2 बन जाएगी। अब क्या है, बेंजीन है, अब बेंजीन से भी N2 हटेगा तो वैलेंस मैग्नेट होगी, तो पानी कैसे टूटता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, तो OH तो आ जाएगा इस वैकेंट वैलेंसी के ऊपर, और क्या बच गया इस पर, H, और यहाँ क्या बच रहा है, Cl, तो यह बन जाएगा HCl। तो पॉइंट क्या था हमारा, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यानी कि प्रिपरेशन ऑफ फिनोल, सो इन दिस वी कैन प्रिपेयर फिनोल फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम साल्ट बाय हीटिंग बेंजीन डाइजोनियम साल्ट विद वाटर एट टेम्परेचर हायर देन 10 डिग्री सेंटीग्रेड। थर्ड मेथड, अब हम आ गए थर्ड मेथड के अंदर, फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स में सैलिसिलिक एसिड फ्रॉम या बाय डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड बाय डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड, तो पूरा मीनिंग देखता हूं इसमें क्या मतलब है, डी मीन्स रिमूवल निकलना, कार्बोक्सी का मतलब हो गया कार्बन, डी मीन्स रिमूवल, कार्बोक्सी का मतलब होता है कार्बन, लेशन मीन्स प्रोसेस यानी कि कार्बन के निकलने की प्रोसेस, यानी कि कार्बन के डिक्रीज होने की प्रोसेस, यानी कि वो रिएक्शन है जिसके अंदर सैलिसिलिक एसिड से कार्बन विल बी रिड्यूस्ड, कार्बन विल बी इलिमिनेटेड, कार्बन निकलेगा। अब पॉइंट आ गया इसमें सैलिसिलिक एसिड, तो सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मूला होता है बेंजीन, बेंजीन के ऊपर OH और सी डबल OH, फिनोल यानी कि एल्कोहलिक ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जब दोनों ही बेंजीन पर साइमल्टेनियस पोजीशन पर जुड़े हुए हैं, लगातार पोजीशन पर जुड़े हुए, तब हम इसको बोलेंगे सैलिसिलिक एसिड। अब देखिए हाउ टू प्रिपेयर, अब सैलिसिलिक एसिड से कैसे बनाया जाता है, तो स्टार्टिंग विद सैलिसिलिक एसिड, मेथड ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ सैलिसिलिक एसिड विल बी फाउंड, इसके भी बनने का जो तरीका, इट इज इन आवर सिलेबस और बाद में ये आएगा, तो सैलिसिलिक एसिड कैसे बनती है। अब हम बात करते हैं, जो सैलिसिलिक एसिड है यहाँ पर वो है ये, इसका रिएक्शन सबसे पहले कराया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्यों कराया, क्योंकि हमें इसमें से इस सी डबल OH ग्रुप को हटाना, उसके बाद फिर फिनोल बना हो, तो कार्बन को जब रिड्यूस करना हो, कार्बन को जब बेंजीन में या किसी कंपाउंड में कम करना हो, कार्बन हटाना, तो पहला तरीका होता है कि उस कंपाउंड को, उस कार्बन को आप कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलो, उसके बाद उस एसिड को सॉल्ट में बदलो, सोडियम सॉल्ट या कैल्शियम सॉल्ट या पोटेशियम सॉल्ट में कन्वर्ट करो, उसका रिएक्शन, उसका तरीका क्या है कि एसिड वाली चीज का रिएक्शन NaOH, KOH और कैल्शियम है तो COH के साथ रिएक्शन करो, COH और पोटेशियम तो ये सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम सोडियम से करा रहे हैं तो क्या बन जाएगा, ये देखिए हम एसिड है, एसिड से क्या होगा, एच विल बी रिलीज्ड, फिनोल है, फिनोल जो होते हैं दे आल्सो शो एसिडिक प्रॉपर्टी, तो इसका भी एच निकलेगा, तो इसके लिए हमें दो OH यूज करते हैं, तो दो OH यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दो सोडियम यहाँ पर आ जाएंगे, एक सोडियम यहाँ आएगा और एक सोडियम यहाँ आएगा, ये दो H दो OH के साथ जुड़ जाएंगे, क्या बन जाएगा 2H2, और क्या बच रहे हैं, हमें यहाँ पे देखो
ओ एन और सी डबल ओ एन, ये चीज। इट इज नॉन एज सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड या सोडियम सैलिसिलेट भी बोलते हैं। सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड या सोडियम सैलिसिलेट। ये हो गया। अब क्या करना है, इसके अंदर हमारे को डी कार्बोक्सिलेटिंग एजेंट लगाने, क्योंकि कार्बन है मैटर, तो वो एजेंट लगाने जो यहां से कार्बन को हटाए। और ये जो एजेंट होते हैं इनको हम बोलते हैं, दे आर नोन एज सोडा लाइम, यानी कि यहां नाम लिख देते हैं इनका सोडा लाइम। ये डी कार्बोक्सिलेटिंग एजेंट, दे आर डी कार्बोक्सिलेटिंग एजेंट, यानी कि अब बताया डी मतलब निकालना, कार्बन को निकालने वाले एजेंट होते हैं। उनका फॉर्मूला क्या है, सोडा इज यूज्ड एज एनएच और लाइम जो होता है वो होता है सीएओ, कैल्शियम ऑक्साइड। ये होता है, तो ये हो गया सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए, लाइम हो गया सीएओ के लिए। तो रिएक्शन में देखिए क्या होगा, ये जो एनएओएच हमने लिया है इस एनएओएच को नीचे की तरफ हम लिख रहे हैं एनएओएच, ये प्लस ये इसमें सोडा लाइम का जो मिक्सचर वो है। अब देखिए क्या होगा, Na2CO3 विल बी रिलीज, इनमें रिएक्शन होगा और क्या बन जाएगा Na2CO3, क्योंकि सोल्ट हमने बदला इसलिए था क्योंकि सोडियम क्या करता है, सोडियम कार्बोनेट में पोटेशियम होता है तो पोटेशियम कार्बोनेट कैल्शियम होता है तो वो जल्दी से CO3 बनाता है, लेकिन सैलिसिलिक एसिड में कैल्शियम से संभव नहीं है इसलिए पोटेशियम से करवाया था या सोडियम। ये हो गया। अब जैसे ग्रुप यहां से जाएगा तो वैलेंस ही बैठे क्योंकि ऑर्थो पोजीशन की, इस ऑर्थो पोजीशन की है जो हाइड्रोजन बचा भी है आप इसको ऑक्यूपाई कर ले, तो क्या बन जाएगा, इट विल फॉर्म फिनोक्साइड आयन ONA, और यहां क्या था H आ गया इसलिए वैकेंसी बंद हो गई। और ये क्या बन गया, सोडियम फिनोक्साइड। और क्या बताया था कि जब हमारे को Na हटाना हो बेंजीन के अंदर किसी मेटल को हटाना हो तो डाइल्यूट HCl का यूज करना, तो वो क्या बन जाएगा NaCl बन जाएगा, ये बेंजीन और बेंजीन के ऊपर क्या हो गया ONA। सो दिस इज द मेथड ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड टू कन्वर्ट सैलिसिलिक एसिड टू फिनोल, सैलिसिलिक एसिड को फिनोल बदलने का ही मेथड है। द नेक्स्ट मेथड इज फ्रॉम ग्रिग्नार्ड एजेंट, बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जनरल फॉर्मूला क्या है, व्हिच वी आर वेरिएबल नोन इज RMTX। अब क्या होगा, क्योंकि हम बेंजीन की बात करें तो बेंजीन के अंदर तो बेंजीन को ही लगाना पड़ेगा, बेंजीन कंपाउंड के बाद तो R की जगह क्या हो गया, बेंजीन आ गया। तो ये बन गया हमारे पास बेंजीन, बेंजीन पे किसी भी पोजीशन पर मैग्नीशियम और मैग्नीशियम सब को हाइड्रोजन, जैसे हमने क्लोरीन को लगा दिया। इसका आपको कराना है एरियल ऑक्सीडेशन, एरियल पार्शियल ऑक्सीडेशन कराना है। एरियल पार्शियल ऑक्सीडेशन का ये जो काम है, इससे क्या होगा कि इनके बीच में जो बॉन्ड है बेंजीन और मेटल के बीच में, ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये एक ही ऑक्सीजन है, हाफ ऑटो का मतलब एक ऑक्सीजन, ये एक ऑक्सीजन जो है इनके बीच में आ जाएगा, इनके बॉन्ड को तोड़ के बीच में आ जाएगा और ये बन जाएगा लाइगेंड ONGCl। ये क्या बन गया, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन, ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन गया। अब इस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को आपको क्या करना, फाइनल प्रोडक्ट में बदलना है, तो उसके लिए क्या यूज करो, एसिड हाइड्रोलिसिस। अब बेंजीन की बात आए तो वी कैन यूज डाइल्यूट H2SO4 या H पॉजिटिव H2O, ये की बात है। तो अब आप इसको कराओगे तो क्या हो जाएगा, यहां से रिलीज हो जाएगा, रिलीज होगा तो क्या बन जाएगा MgOHX, क्लोरीन ले रखा है तो क्लोरीन लगा दो, बाकी क्या बच रहा है बेंजीन, बेंजीन पर O और हाइड्रोलिसिस का H, तो क्या बन गया फिनोल। सो दैट वाज द फोर्थ मेथड बाय व्हिच फिनोल्स कैन बी प्रिपेयर्ड एंड इट वाज फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। नेक्स्ट मेथड इज फ्रॉम डोज प्रोसेस, दैट इज बाय यूजिंग एराइल हैलाइड्स, फ्रॉम एराइल एरोमा से, और एरोमा वर्ड यूज होता है एरोमेटिक
यानी स्मेलिंग कंपाउंड, और स्मेलिंग कंपाउंड मेन कौन है? बेंजीन। सो देयर आर सम नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड्स आल्सो, कुछ नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड होते हैं जिनमें स्मेल पाई जाती है, जिनमें स्मेल आने का काम होता है। तो अब तो हम बात बेंजीन को लेकर कर रहे हैं, फिनोल्स की बात करें तो यहाँ एराइल वर्ड जो है वो बेंजीन के लिए, वैसे मेजरली एराइल वर्ड बेंजीन के लिए यूज होता है। तो ये हो गया हमारे पास एराइल हैलाइड्स लैंग्वेज, ये हो गया एराइल। इस एराइल हैलाइड में इसको हमें हटाना है यहाँ से और इसकी जगह के ऊपर OH ग्रुप लगाना है। अगर हम इस पॉइंट को सिंपल मेथड से करवा के देखें, यानी कि इसकी जगह पर मान लो हमने एक्वस NaOH, या जैसे कि आपको याद हो एल्कोहल वाले तरीके में था RX था, इसकी जगह पर क्या था RX था, और यहाँ पर हमने क्या किया था एक्वस KOH यूज किया था। बेंजीन आ जाती है तो उसकी जगह आप सोडियम ले सकते हो, बस ये फर्क आ गया, चेन में K यूज होता है और यहाँ सोडियम यूज होता है। तो अगर आप जैसे बाहर रिएक्शन हम करा रहे थे इसके अंदर किसके साथ KOH के साथ, तो क्या होता था ये इसको रिप्लेस करता था एल्कोहल, क्या ऐसा यहाँ पर हो सकता है कि इसको रिप्लेस कर दे रहा है? सो दिस इज नॉट पॉसिबल, ये नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ फाइव मेन रीजंस जो हमने पहले यूनिट में किए, पांच मेन कारण थी जो इसके सब्स्टिट्यूशन को, इसको हटाने को बड़ा मुश्किल बनाते हैं। तो इसके लिए हमें स्पेशल कंडीशंस का यूज करना पड़ेगा, इसलिए इस रिएक्शन का नाम जो है वो इज नोन एज डोज प्रोसेस, क्योंकि इन स्पेशल कंडीशन को किसने बनाया था? डोज नाम के साइंटिस्ट ने बनाया था, इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या हो गया? डोज प्रोसेस या डोज रिएक्शन। और जिन रिएक्शन में कि साइंटिस्ट का नाम आ जाता है वी कॉल दीज रिएक्शन एज नेम रिएक्शन, ये नेम रिएक्शन। और बोर्ड के अंदर थ्री मेन रिएक्शन, थ्री नेम रिएक्शन और फाइव नेम रिएक्शन are oftenly asked. So let's start. How to prepare? बनाने के तरीके की बात करते हैं। ये हो गया aryl halides. Normal conditions में reaction हो नहीं सकता। तो इसके लिए फिर क्या करते हैं? We treat it with two molecules of sodium hydroxide. दो molecules sodium hydroxide किस में लिए जाते हैं? At a temperature 623 Kelvin temperature और 300 से लेकर के 300 to 320 atm का pressure। तो क्योंकि इस बार क्या हो रहा है? नेम रिएक्शन आ रहा है और नेम रिएक्शन में कंडीशंस खास होती हैं। तो कंडीशंस क्या है? एक तो टेम्परेचर की है, एक प्रेशर की है। रिएक्शन हम करा रहे हैं NaOH के साथ में, तो रिएक्शंस के अंदर क्या होगा? देखो वी आर यूजिंग टू मॉलिक्यूल्स, तो दो मॉलिक्यूल्स में रिएक्शन कैसे होगा ये देखिए। अब एक क्लोरीन एक सोडियम, अब उसके बाद में ये एक ONa वाला पार्ट है ये आप इसकी जगह पर रिप्लेस करेंगे, इसको इस जगह जोड़ेगा, तो बाकी बच गई ये क्या बना लेगा? वाटर बनाएगा। तो क्या बन जाएगा? इस बंद होगी बेंजीन, बेंजीन के ऊपर क्या आ गया? ONa और प्लस में क्या हो रहा है? NaCl और H2O, ये चीजें बन गई। अब क्या हो गया इसके अंदर? क्या करेंगे इसका रिएक्शन? डाइल्यूट HCl, तो क्या बन जाएगा? NaCl और बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर OH, H में भी यूज H आ जाएगा। तो इस प्रोसेस का नाम क्या है? डोज प्रोसेस, या डोज प्रोसेस बोलते हैं। नेक्स्ट मेथड इज फ्रॉम क्यूमीन, क्यूमीन से बनाने का तरीका, फ्रॉम क्यूमीन, फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन क्या होता है? क्यूमीन होता है बेंजीन, बेंजीन के एक पोजीशन के ऊपर कार्बन, और कार्बन की तीन वैलेंसीज, तीन वैलेंसीज में दो वैलेंसियों के ऊपर तो CH3 है और एक जो वैलेंसी है वो हाइड्रोजन ऑक्यूपाई करता है। आप इसे ऐसे भी प्रेजेंट कर दो, या इसका जो हाइड्रोजन है उसे आप ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर सकते हो। दिस कंपाउंड इज नोन एज क्यूमीन, ये कॉमन नाम है। इसका दूसरा नाम होता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ये तीन कार्बन है ब्रांचिंग के साथ में, तो बन गया आइसोप्रोपाइल और एक बेंजीन, क्योंकि बेंजीन आगे में ब्रांचिंग वाला सिस्टम बना दिया, ये सेकेंडरी चेन को बनाने का काम, इसलिए बन गया आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ये क्यूमीन का दूसरा नाम है। लेट्स स्टार्ट। तो बनाना किससे हमारे को? क्यूमीन से बनाना है, और क्यूमीन क्या हो गया? दिस कंपाउंड इज नोन एज क्यूमीन। इस H को इधर कर दिया, CH3 को ऊपर की तरफ कर दिया। इन द बुक वी आर गिवन हाउ दिस क्यूमीन इज प्रिपेयर्ड, क्यूमीन कैसे बनाया जाता है वो तरीका दे रखा हमारे को, और क्यूमीन से फिर हम आगे की तरफ में किस प्रकार से
फिनोल को बनाएंगे वो भी गिवन है। फिर देखिए ये है बेंजीन, बेंजीन ये एच हो गया इसका, इसका रिएक्शन है इसका विद सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, दिस इज प्रोपीन, प्रोपीन के साथ रिएक्शन हो गया एट ए टेम्परेचर ऑफ 523 केल्विन, 523 केल्विन के ऊपर इसका रिएक्शन हो रहा है। और ये जो रिएक्शन है इट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड की प्रेजेंस में होता है एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन। क्यों बोला इसको, एल्क का मतलब होता है कार्बन चेन, एल्काइलेशन का मतलब कार्बन चेन का जुड़ना, कार्बन चेन के जुड़ने का तरीका फ्रीडलक्राफ्ट के साइंटिस्ट ने दिया। तो देखिए कैसे हो रहा है, यहां से इसका एच हट जाएगा और एच हट के इसमें मार्क एडिशन बड़ा काम होगा, डबल बॉन्ड टूटेगा, तो डबल बॉन्ड जब टूटेगा तो देखो ये बॉन्ड टूट, तो जो ज्यादा कार्बन वाला हिस्सा है वो क्या करेगा, बेंजीन से आके जुड़ेगा, क्योंकि कार्बन जो हाइड्रोजन है बेंजीन उस पर तो हो गया पॉजिटिव चार्ज, तो बेंजीन पे कैसा होगा नेगेटिव, तो नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड के ज्यादा कार्बन पे जाके जुड़ेगा, ये अनसिमेट्रिकल एल्किन था, अनसिमेट्रिकल, तो ये जो बेंजीन है कहां पे जुड़ेगा, इस पोजीशन बीच वाले कार्बन पे जुड़ेगा, तो हाइड्रोजन कहां आ जाएगा CH2 के साथ आ जाएगा, तो बीच में जो कार्बन उसके शुरू में एक CH3 हो गया और उसके आखिरी वाला कार्बन भी CH3 में बदल गया, क्योंकि ये हाइड्रोजन यहां आके जुड़ेगा और ये बेंजीन कहां जुड़ेगी इस जगह, ये कार्बन या ये बेंजीन, तो ये कंपाउंड बन गया, दिस इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन या क्यूमीन। ये हुआ, अब क्या करना है, इसका हमें ऑक्सीडेशन कराना है, क्यूमीन का ऑक्सीडेशन का काम करना है 368 केल्विन टू 408 केल्विन टेंपरेचर के ऊपर ऑक्सीडेशन का काम। तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा, जो हाइड्रोजन यहां आपने जो छोड़ रखा है वो हाइड्रोजन यहां से टूटेगा और ऑक्सीजन यहां पर सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड बनेगा, बीच में आके जुड़ जाएगी, ये बन जाएगा सी ऊपर हो गया CH3, यहाँ हो गया CH3, आगे क्या हुआ हाइड्रोजन टूट गया ऑक्सीजन आ गया इस जगह पर सिंगल बॉन्ड, अब बीच वाली जो ऑक्सीजन उसकी दोनों वैलेंसी कंप्लीट हो गई, बच गई साइड वाली ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन वापस आकर के इस वैलेंसी को पूरा कर देगा, दिस इज क्यूमीन पर ऑक्साइड, अगर ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हो तो ये बन गया पर ऑक्साइड, लेकिन हाइड्रोजन भी आगे जुड़ रहा है ये बन गया हाइड्रो पर ऑक्साइड, उसका क्या नाम हो गया, दिस इज क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड, ये बन गया। अब जो क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड बना है इसके अंदर, इस क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड को जब हम और स्ट्रॉन्गली हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 टेम्परेचर होगा यहाँ पर 523 केल्विन, 523 केल्विन टू 3232 373 केल्विन टेम्परेचर पर जब हम इसको हीट करेंगे, इस टेम्परेचर के ऊपर जब हम इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से अनसिमेट्रिकल डिसोसिएशन, दो जगह से बॉन्ड टूटेंगे, एक तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा जो कार्बन और बेंजीन में बना हुआ, एक बॉन्ड टूटेगा ये परऑक्साइड के बीच वाला बॉन्ड, तो ये जो पार्ट है इस जगह पर ये वाला पार्ट ये अलग हो जाएगा टूट करके और ये पार्ट इसकी जगह पर आएगा इस जगह, तो क्या बनेगा देखो इट इज CH3, फिर आगे CH3 ऊपर, अब देखो आगे गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का आगे से बॉन्ड टूट गया और इस कार्बन का नीचे से बॉन्ड टूट गया, दोनों वैलेंसी वैकेंट है, ये दोनों वैलेंसी जुड़ जाएंगे, ये हो गया, फिर क्या बन गया कीटोन, क्योंकि बीच में आया, इसे अगर हम समझने के लिए इसकी पोजीशन को ठीक करें तो डबल बॉन्ड ऊपर की तरफ कर दिया CH3 साइड में कर, तो अब ये क्या बना एसीटोन यानी कि कीटोन बन गया, प्लस मेन क्या है बेंजीन, ये बेंजीन, बेंजीन की जो पोजीशन खाली हुई है प्रोपीन के जाने के कारण से उस जगह पर अब कौन आ रहा है, तो क्या बन गया फिनोल, सो दीज आर द कॉमन मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनोल्स।